हेलो फ्रेंड्स, तो आज वीडियो आपको बताने जा रही कि हम ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा सैमसंग का मोबाइल है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ईयरबड्स होना चाहिए। तो ये हमारा बड्स हो, हेडफोन हो या फिर कुछ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको ये ओपन करते हैं और ये हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा ऑन है। तो हम चलिए ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग में जाना है। मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट पे जाना है, फिर ब्लूटूथ पे जाना है। ब्लूटूथ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा होगा ऐसा, हमारा ब्लूटूथ दिया हुआ है। तो हमारा ये है प्रॉम्प्ट स्पीक, अगर आपको ब्लूटूथ नेम बताओ तो ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा कुछ सर्च हो रहा है। सर्च होने के बाद आपको कैन या ओके आएगा, तो हम ओके कर लेते हैं। तो करने के बाद ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100% बैटरी आपको यहाँ पे कनेक्टेड फॉर कॉल एंड ड्यूट 100% बैटरी कैमरिंग दिखा देगा कि आपके ब्लूटूथ का चार्ज 100% है। तो चलिए हम आपको कुछ साउंड साउंड सुनाते हैं, जैसे कि कुछ सुना के दिखाते हैं। तो हम आपको जैसे कि हम आपको साउंड सुनाते हैं वो यूट्यूब में जाते हैं। तो हम चलिए यूट्यूब में जाते हैं। हमने ब्लूटूथ का साउंड तेज कर लिया कि हम आपको सुना सके। तो यहाँ पे हम स्टोरी में चले जाते हैं। आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा एयरबड्स से। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।